नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो चुका है। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हरियाणा विधानसभा चुनाव का चुनाव आयोग द्वारा फाइनल स्टेटस भी आ चुका होगा कि कितने परसेंटेज वोटिंग हुई। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस समय तक के जो अनुमान है वो लगभग 67% हरियाणा के अंदर पोलिंग हुई है, यानी कि मतदान हुआ है। इस मतदान के अंदर हरियाणा का जो हम आपसे पहले लगातार बताते रहे हैं कि हरियाणा को हमने 10 लोकसभा सीटें जो हरियाणा की हैं, जिनमें कि हर एक लोकसभा में 9 विधानसभा की सीटें हैं, और मैंने आपसे कहा था कि हमने उसी लिहाज से 10 जोन में हरियाणा को बांटा है। हम लगातार आपसे ओपिनियन पोल और लोगों की राय बताते रहे थे कि हरियाणा में क्या हो सकता है, और अब लगातार इन वीडियोस में मैं आगे आने वाली वीडियो में और इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हरियाणा की जनता का मूड क्या रहा। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा फरीदाबाद लोकसभा की। फरीदाबाद लोकसभा जहां से कृष्णपाल गुर्जर, अभी हाल ही में 25 मई को मतदान हुआ था और 4 जून को मतगणना हुई थी। अगर 4 जून के लिहाज से देखें तो आज 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर यानी कि केवल 4 महीने उस बात को बीते हैं, और 4 महीने बाद हरियाणा के अंदर खासकर फरीदाबाद का मूड क्या रहा। फरीदाबाद की लोकसभा सीट की 9 विधानसभाएं, जिनमें से कृष्णपाल गुर्जर 6 विधानसभाओं में जीते थे, इस चुनाव में वहां क्या मूड है। आपसे बात करूंगा सिलसिलेवार फरीदाबाद की सभी विधानसभाओं की। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं फरीदाबाद की होडल विधानसभा की। ब्रिज के एरिया से शुरू होकर के जो पूरे हरियाणा को जोड़ती है होडल विधानसभा। होडल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कैंडिडेट थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान, और इनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था पूर्व विधायक रामरतन के बेटे हरेंद्र रामरतन को। मतदान हो चुका है, और अगर होडल की मैं आपसे बात करूं तो होडल के अंदर एक फैक्टर था चौधरी हर्ष कुमार, जिन्होंने मदद की हरेंद्र रामरतन की। होडल के अंदर एक फैक्टर होता है मथुरा के उत्तर प्रदेश के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, जिन्होंने हरेंद्र रामरतन के लिए खूब पसीना भी बहाया। लेकिन इस सबके बावजूद जो होडल के मतदाताओं का मिजाज बता रहा है, होडल के मतदाताओं का मिजाज कहता है कि वहां पर चौधरी उदयभान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, और चौधरी उदयभान का इस चुनाव के अंदर जो मार्जिन कहा जा रहा है, वो मार्जिन भी एक होडल के अंदर ऐतिहासिक हो सकता है। होडल के अंदर आज तक की जो जीत रही है मैक्सिमम, वो 13,000 वोट की रही है, और वो आंकड़ा भी चौधरी उदयभान ने ही छुआ था। इस चुनाव के लिए कहा जा रहा है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में होडल विधानसभा क्षेत्र से उदयभान एक बार फिर उसी पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से चुनाव जीत सकते हैं। अगली विधानसभा की बात करें तो फिर पलवल जिले की हथीन विधानसभा। हथीन विधानसभा में यहां का जो हथीन का मतदाता है, जो हथीन का इलेक्शन होता है, उसको हिंदू और मुस्लिम में बांटा जाता है हमेशा से ही। हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक तरफ जहां हिंदू कम्युनिटी है, जिसके अंदर तमाम हिंदू समाज की बिरादरियां हैं, तो दूसरी तरफ मेव मुस्लिम मेजोरिटी कम्युनिटी है, जिसके अंदर मेव मुस्लिम समाज की तमाम जातियां हैं, तमाम उनके वर्ग हैं। अगर इन दोनों को बांटें तो हथीन विधानसभा के अंदर लगभग 56% लगभग यहां पर हिंदू मतदाता हैं, और लगभग 44-43% यहां पर मेव मुस्लिम मतदाता हैं। यहां पर जो मुख्य कैंडिडेट थे तो मेव मुस्लिम समाज के 2 कैंडिडेट थे, मोहम्मद इजराइल कांग्रेस से और इनेलो और बसपा के कैंडिडेट तैयब हुसैन भीमसिका। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर मनोज रावत को चुनाव मैदान में उतारा था, जिनकी धर्मपत्नी जिला परिषद की चेयरमैन है आरती रावत। इस चुनाव के अंदर महत्वपूर्ण बात यह रही कि हथीन विधानसभा में 5 निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हुए, या वो छोटी पार्टियों से थे। केहर सिंह रावत जो यहाँ के पूर्व विधायक है, भाजपा नेता, वो निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए। रविंदर सहरावत जो पहले भाजपा के जिले के उपाध्यक्ष थे, वो जननायक जनता पार्टी से चुनाव मैदान में आ गए। धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र तेवतिया यहाँ पर जिनकी धर्मपत्नी जिला परिषद की सदस्य हैं, वो इंडिपेंडेंट मैदान में आ गए। कर्नल राजेंद्र सिंह रावत यहाँ पर आम आदमी पार्टी के टिकट पर मैदान में हुए। यानी कि जाट समाज से, अकेले जाट समाज से 5 कैंडिडेट थे, जिनमें से मनोज रावत और केहर सिंह रावत तो दोनों एक ही गांव के थे। दोनों का गांव नांगल जाट है। हालांकि दावा किया जाता है कि रावत पाल की पंचायत हुई, लेकिन उन पंचायतों का लगता ऐसा है कि बीजेपी कैंडिडेट की तरफ कोई असर नहीं रहा। चुनाव के पूर्व 2 दिन तक कुछ ऐसा मामला लगता था कि जैसे मेव मुस्लिम मतदाता जो है,
वो मोहम्मद इसराइल और तैयब हुसैन भीमसिका में कांटे के संघर्ष में बट रहे हैं। लेकिन ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आया, उस हिसाब से अगर देखें तो फिर चुनाव यूं गया कि जैसे मोहम्मद इसराइल के पक्ष में मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा रुझान हुआ। इसके साथ साथ हिंदू समाज के अंदर अगर हम कहें तो यहां पर डागरपाल, रावतपाल और सहरावतपाल, ये तीन प्रमुख पाल हैं जाट समाज की। झीरी वाले मंदिर पर एक पंचायत भी हुई थी, लेकिन डागर समाज की, डागरपाल की जो र्यूमर्स बता रही हैं, जो वहां के लोगों का मूड बता रहा है, तो डागर समाज की, डागरपाल की जो वोट है वो सभी कैंडिडेटों में बट गई, कांग्रेस में भी गई, बीजेपी को भी गई और तैयब हुसैन भीमसिका को भी गई। हथीन विधानसभा का जैसा मैंने आज देखा और जिस प्रकार की लोगों से बात हुई, उसके लिहाज से हम बता सकते हैं कि हथीन के अंदर मोहम्मद इसराइल भी बड़े अंतर से चुनाव जीत सकते हैं। और यहां पर जो चुनाव रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी यहां पर तीसरे स्थान पर आ सकती है, यानी कि कांग्रेस के मोहम्मद इसराइल चुनाव जीत सकते हैं, तैयब हुसैन भीमसिका यहां पर दूसरे स्थान पर रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के मनोज रावत को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ सकता है। अगली विधानसभा की बात करें तो फिर पलवल की बात आएगी। पलवल विधानसभा में करण सिंह दलाल यहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट हुए। कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में उनका पांचवां चुनाव था और वैसे वो टोटल आठ चुनाव लड़ चुके हैं, आठवां चुनाव उनका हुआ। पांच बार विधायक रहे, दो बार चुनाव हार गए और ये उनका आठवां चुनाव था। यानी कि करण सिंह दलाल के साथ कहें तो उनका 35 साल का एक ऐसा अनुभव, राजनीतिक अनुभव, जिसमें कि उन्होंने चुनाव लड़े। और उनके सामने जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो थे गौरव गौतम, और गौरव गौतम को कह सकते हैं कि 35 साल के अनुभव के सामने 35 साल का युवा। इस चुनाव के अंदर, पलवल के अंदर कई सारी बातें प्रमुख रही। यहां पर कृष्णपाल गुर्जर एक बार चुनावी सभा करने आए, एक बार नामांकन करवाने के लिए आए थे, फिर एक बार चुनावी सभा करने आए, उसके बाद में उनकी खास उपस्थिति देखी नहीं गई। यहां पर योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम बना था लेकिन वो नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा पलवल में होनी थी लेकिन वो प्रथला विधानसभा में हुई, गदपुरी गांव में, जो प्रथला विधानसभा में आता है। पलवल के अंदर गौरव गौतम के लिए वैसे तमाम बड़े चेहरे आए। असम के मुख्यमंत्री आए, हेमंत बिस्वा शर्मा। यहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, जयसूर्या। यहां पर इनके साथ साथ भाजपा के और तमाम बड़े नेता, तमाम पर्यवेक्षकों ने डेरा डाला रखा। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह थी कि जो भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता थे वो उदासीन बने रहे। यहां पर दीपक मंगला, जो भाजपा के निवर्तमान विधायक हैं, जो पहले विधायक चुने गए थे, इस चुनाव में अगर मोदी की सभा, मनोहर की सभा और हेमंत बिस्वा शर्मा की सभा, इसके साथ थोड़ी देर के लिए नामांकन, अगर इन चार प्रमुख बातों को छोड़ दें तो फिर दीपक मंगला की उपस्थिति कोई खास दर्ज नहीं हुई। यहां पर दूसरे जो कद्दावर नेता हैं, सुभाष कत्याल, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल और उनके बेटे राजीव कत्याल, वो चुनाव में बीजेपी के साथ तो रहे पूरी तरह से। बीजेपी के, अगर उनका भी मैं कहूं तो वो भी मोदी का कार्यक्रम, हेमंत बिस्वा शर्मा का कार्यक्रम और मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम, इसके अलावा जो बीजेपी की जो इंटरनल मीटिंग्स हुई होंगी उनके अलावा, उनको भी पब्लिक ग्राउंड पर इतना नहीं देखा गया, यानी कि उनकी भी उदासीनता कही गई। हालांकि चुनाव में कहीं उनके विरोध वाली बात सुनाई नहीं दी। दीपक मंगला के समर्थकों के बारे में तो कहा गया कि वो यहां वहां जा रहे हैं, लेकिन कत्याल समर्थकों के बारे में ऐसी बातें कम आई। इसके बाद जो बात आ जाती है, जो टिकटार्थी और थे जिनको आप मान सकते हैं कि सेकंड कैडर के जो नेता हो सकते हैं, हालांकि वो गौरव गौतम के साथ तो रहे लेकिन उनका प्रभाव कितना रहा, उनका प्रभाव अगर मैं मानूं तो बीरपाल दीक्षित इनके साथ में थे, इनके साथ में राजेंद्र बैसला थे, इनके साथ में अगर संजय गुर्जर एक भाजपा नेता है वो दिखाई नहीं पड़े। तो तमाम जो बीजेपी के नेता थे या तो वो निष्क्रिय रहे या वो उदासीन बने रहे। अगर पलवल विधानसभा की बात करें तो करण सिंह दलाल के पक्ष में एक प्रमुख बात रही और वो बात ये थी कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। करण सिंह दलाल ने इसी बात को हर सभाओं में बोला और अगर गौरव गौतम के साथ बात आई तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विकास परक नीतियों की बजाय, जो 10 साल के लिए कह सकते थे कि हमने क्या विकास किए, लेकिन यहां पर जो प्रमुख रहा बीजेपी का हिंदुत्व और सनातन का एजेंडा, इस पर चुनाव लड़ा गया। अगर मैं आपसे आज की बात करूं, जब चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है और पलवल के अंदर लगभग 68% से ज्यादा मतदान की जो मुझे जानकारी मिली है, अगर वहां से चलें तो फिर पलवल में करण सिंह दलाल यहां भारी पड़ रहे हैं। हालांकि गौरव गौतम ने चुनाव बहुत बेहतरीन से लड़ा,
लेकिन इन दोनों के बीच में कोई तीसरा कैंडिडेट ना होने की वजह से इन दोनों के बीच में चुनाव हुआ और मतदाताओं का मतों का ध्रुवीकरण दोनों कैंडिडेटों के पक्ष में रहा। और आपसे अगर सीधे सीधे बताऊं तो पलवल विधानसभा में भी करण सिंह दलाल ठीक ठाक बढ़त लेते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर अगली विधानसभा की आपसे बात करें तो फिर प्रथला विधानसभा, पूरी तरह ग्रामीण विधानसभा। प्रथला में रघुवीर सिंह तेवतिया यहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे। 2009 में उनको टिकट मिला था, विधायक बने थे कांग्रेस से। 2014 और 2019 दो चुनाव वो कामयाब हो नहीं पाए और 2024 में अगर मैं ये कह दूं कि रघुवीरा के पक्ष में वो सिंपैथी रही। रघुवीरा के पक्ष का माहौल ये रहा कि रघुवीरा 15 साल से सत्ता से दूर हैं। रघुवीरा के लिए भी कहा गया कि उन्होंने काम भी खूब कराए थे। यहां पर जो बीजेपी ने टिकट दिया वो दिया टेकचंद शर्मा को। टेकचंद शर्मा के सामने भारतीय जनता पार्टी के ही दो नेता चुनाव मैदान में आ गए, एक नयनपाल रावत जो निवर्तमान विधायक हैं। हालांकि चुनाव वो निर्दलीय जीते थे लेकिन समर्थन भाजपा का था और भगवा रंग की दावेदारी वो लगातार करते थे। और दूसरे कैंडिडेट हुए दीपक डागर। दीपक डागर भी चुनाव मैदान में रहे। इसके साथ साथ एक और कैंडिडेट मैदान में रहे, उनका नाम है सुरेंद्र दीक्षित। वो कैंडिडेट हुए बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन के। इस लिहाज से देखें तो टेकचंद शर्मा के लिए ये तीन बड़े डेंट थे। दीपक डागर के पक्ष में जहां कई भाजपा कार्यकर्ता लगे रहे, नैनपाल रावत जहां भाजपा की फेवर की वोट को अपनी तरफ कर रहे थे, खासकर क्षत्रिय मतदाताओं को, राजपूत मतदाताओं को, तो सुरेंद्र दीक्षित यहां पर काट कर रहे थे, ब्राह्मण मतदाताओं में सेंध मार रहे थे टेकचंद शर्मा के लिए। अगर मैं प्रथला विधानसभा की भी कहूं तो यहां पर भी कुछ वैसा ही कह सकते हैं। अनुराग ठाकुर यहां पर आए थे। इसके साथ साथ यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी, प्रथला विधानसभा में ही हुई। और भी तमाम कई नेता प्रथला विधानसभा में भी गए लेकिन स्थानीय मुद्दों पर उन नेताओं के जो भाषण थे, उन नेताओं की बात कोई खास असर नहीं कर पाई। प्रथला विधानसभा के लिए भी कहा जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट रघुवीर सिंह तेवतिया अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं, वो चुनाव जीतने की तरफ है। अगर अगली विधानसभा की बात करें तो फिर फरीदाबाद के अंदर बल्लभगढ़ विधानसभा, राजा नहार सिंह की, राजा बल्लू की, सूर की नगरी बल्लभगढ़ विधानसभा। बल्लभगढ़ विधानसभा से तीसरी बार चुनाव मैदान में थे मूलचंद शर्मा भाजपा के कैंडिडेट के तौर पर। 2014 में चुनाव जीते थे, 2019 में चुनाव जीते, 2019 में चुनाव जीते तो मंत्री बने सरकार के अंदर। और इस चुनाव के अंदर खासकर जो मूलचंद के लिए बात रही वो रही एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन मूलचंद शर्मा की फेवर की एक चीज ये हुई कि उनके मुकाबले कांग्रेस का कैंडिडेट कमजोर हुए, जिनको पराग शर्मा का नाम जिनका आया और उनके पास में पराग शर्मा को पहले दिन से ही बतौर कमजोर कैंडिडेट रखा गया। शारदा राठौर यहां पर कांग्रेस की टिकट के दावेदार थी और वो चुनाव मैदान में इंडिपेंडेंट रह गई। अगर मैं पिछले दो दिन की बात करूं तो राजनीतिक लोग बता रहे थे कि पंडित मूलचंद शर्मा और उनके भाई टीपर चंद ने बल्लभगढ़ की कुछ कॉलोनियों के अंदर सेंध लगाई। और इस सबके बावजूद बल्लभगढ़ को माना जा रहा है कि यहां संघर्ष कांटे का है। मूलचंद शर्मा और शारदा राठौर में कांटे की टक्कर मानी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि यहां मायने रखेगा कि निर्दलीय कैंडिडेट राव रामकुमार और कांग्रेस कैंडिडेट पराग शर्मा की स्थिति क्या रहेगी। अगर वो वोटों की स्थिति में मजबूत हुए, जिसके अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो फिर पंडित मूलचंद शर्मा भी यहां कांटे के चुनाव में फंस सकते हैं। इसलिए बल्लभगढ़ को ये माना जाएगा कि यहां पर कांटे की चुनाव है और वो चुनाव भाजपा और निर्दलीय के बीच में है। अगली विधानसभा की बात करें तो फिर आपसे बात करेंगे फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा। देवेंद्र चौधरी कृष्णपाल गुजर के बेटे, उनके लिए टिकट की बात चली थी लेकिन टिकट उनका हुआ नहीं। नगेंद्र भड़ाना यहां पर कैंडिडेट हो सकते थे लेकिन उनको भाजपा ने टिकट दिया नहीं और वो इनेलो बीएसपी कैंडिडेट के तौर पर मैदान में आ गए। नीरज शर्मा यहां के निवर्तमान विधायक हैं, कांग्रेस कैंडिडेट, 2019 में फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में इकलौते कांग्रेसी विधायक। भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णपाल गुजर के अनुशंसा पर यहां टिकट दिया सतीश फागना को, लेकिन चुनाव के अंत अंत आते तक भी यही रहा कि सतीश फागना मुकाबले को तिकोना करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जगह एक बात आई कि सतीश फागना जो पार्षद है, उनके पिताजी भी पार्षद रहे, जिले सिंह फागना भी, और बात यही चली कि सतीश फागना मुकाबला ट्रायंगुलर कर सकते हैं। और यह सीधी फाइट जो मानी गई वो नीरज शर्मा और नगेंद्र भड़ाना के बीच रही। राजनीतिक लोग कहते हैं कि अगर नगेंद्र भड़ाना भाजपा के प्रत्याशी होते तो फिर नीरज शर्मा और नगेंद्र भड़ाना बतौर भाजपा कैंडिडेट मुकाबला कड़ा होता।
हालांकि मुकाबला अब भी नीरज शर्मा और नगेंद्र भड़ाना के बीच माना जा रहा है, लेकिन एज जो दिया जा रहा है, ये जो चुनावी जीत होती दिखाई दे रही है वो नीरज शर्मा के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। यानी कि फरीदाबाद की NIT विधानसभा सीट, जिसको बने हुए अभी लगभग 20 साल होने जा रहे हैं, जहां चौथा चुनाव हो रहा है, इस पर एक ही परिवार का कब्जा तीसरी बार होने की उम्मीद है। 2009 में पंडित शिवचरण शर्मा नीरज शर्मा के पिताजी चुनाव जीते थे, 2014 में यहां पर नगेंद्र भड़ाना जीते थे, 2019 में फिर नीरज शर्मा जीते और 2024 फिर नीरज शर्मा का हो सकता है। अगर अगली बात करें तो फिर अगली बात आ जाएगी बड़खल विधानसभा। बड़खल विधानसभा से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप। महेंद्र प्रताप जी यहां पर चुनाव लड़े थे लोकसभा का, बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, कई बार सरकार में मंत्री रहे हैं, कई चुनाव लड़े हैं, उनमें से कुछ चुनाव जीते हैं और कुछ हारे भी। हाल में लोकसभा का चुनाव हार गए थे और इस चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बड़खल में भी डेंट लगा था, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर माहौल बदला दिखाई दिया। बड़खल में विजय प्रताप चुनाव 2019 में भी लड़े थे और 2548 वोट से मात्र 2500 वोट से चुनाव हार गए थे, और इस चुनाव के अंदर विजय प्रताप के लिए लोगों के बीच एक सिंपैथी रही कि विजय प्रताप पिछला चुनाव भी हार गए थे और वो छोटे अंतर से हारे थे। सबसे प्रमुख बात दोस्तों यहां की जो रही, बड़खल विधानसभा पंजाबी बाहुल्य विधानसभा है, उसके बाद यहां पर गुजर मतदाता प्रभावित करता है, उसके बाद यहां पर दलित और मेव मुस्लिम और तमाम कम्युनिटी के मतदाता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया वो धनेश अधलखा पंजाबी समाज से हैं। धनेश अधलखा के लिए कृष्णपाल गुजर ने धुआंधार प्रचार किया और हर प्रचार में कृष्णपाल गुजर ने अधलखा के लिए कहा कि धनेश देवेंद्र की तरह मेरे दूसरे बेटे हैं। लेकिन यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है वो ऐसी है कि धनेश अधलखा जैसे फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़े मार्जिन से पीछे रह सकते हैं, यानी कि विजय प्रताप यहां पर कंफर्टेबली बड़े अंतर से चुनाव जीतने की तरफ है। अगर अगली बात करें तो फिर अगली बात आएगी फरीदाबाद विधानसभा की, फरीदाबाद 89। यहां प्रमुख बात यह रही कि यहां पर शहरी विधानसभा सीट है, यहां पर सेक्टर्स हैं। इसके अलावा फरीदाबाद 89 में दो गांव हैं, पहला सिंह और दूसरा अजरौदा। इसके साथ अगर देखें तो फिर यहां पर कुछ कॉलोनियां हैं, भारत कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, ये तमाम कॉलोनियां हैं, कुछ झुग्गी बस्ती का एरिया है। फरीदाबाद ओल्ड विधानसभा सीट, फरीदाबाद सिटी विधानसभा सीट सबसे यहां पर, हालांकि विपुल गोयल की जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनकी कंडीशन अप मानी जा रही है, उनको काफी ऊपर माना जा रहा था। यहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं लखन सिंगला। लखन सिंगला 2014 में बल्लभगढ़ से हारे थे और 2019 में फरीदाबाद 89 से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारे। विपुल गोयल 2014 में विधायक रहे भाजपा के टिकट पर, प्रदेश सरकार में वजीर रहे और 2019 में उनको टिकट मिला नहीं। इस चुनाव के अंदर जो चुनाव 2024 का है, माना जा रहा था कि विपुल गोयल काफी आगे हो सकते हैं, लेकिन जहां पर विपुल गोयल का मतदाता है, जहां पर बीजेपी के फेवर का मतदाता है, बताया जा रहा है कि वहां की पोलिंग काफी कम रही है। और इसके साथ जहां पर कांग्रेस फेवर का मतदाता है तमाम कॉलोनियों के अंदर, इसके अलावा यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी का मतदाता बड़ी संख्या में है, यहां पर दलित मतदाता है और उनमें माना जा रहा है कि लखन सिंगला को काफी बढ़त है। इस चुनाव में ओल्ड फरीदाबाद यानी कि फरीदाबाद 89 का चुनाव भी अटक सकता है, लेकिन एज यहां पर विपुल गोयल को है, विपुल गोयल बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। और अगली विधानसभा है तिगांव विधानसभा, फरीदाबाद की, फरीदाबाद 90 कह सकते हैं उसको, हरियाणा की 90 नंबर विधानसभा यानी कि अंतिम विधानसभा और एक बहुत बड़ी विधानसभा जिसके अंदर बड़ी संख्या में वोट हैं। तिगांव से राजेश नागर बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तिगांव कृष्णपाल गुर्जर का पेरेंटल विधानसभा सीट है, अपनी पैतृक विधानसभा सीट। तिगांव से 2009 में कृष्णपाल गुर्जर विधायक भी थे। 2014-2019 दोनों चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे और 2024 में भी तीनों बार बात नहीं बनी। राजेश नागर यहां पर 2014 में चुनाव हार गए थे, 2019 में जीत गए और इस बार चुनाव मैदान में फिर आए। उनका मुकाबला यहां पर ललित नागर के साथ है। ललित नागर कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने अपना टिकट दिया रोहित नागर को और ललित नागर इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में आ गए। और इस चुनाव में जो मुकाबला हुआ है वो ललित नागर वर्सेस राजेश नागर, लेकिन जो बढ़त बनाई जा रही है, जो बढ़त बताई जा रही है वो राजेश नागर की है। राजेश नागर के लिए कहा जा रहा है कि वो कंफर्टेबली चुनाव जीतने की स्थिति में है। हालांकि उन्हें ललित नागर टक्कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एज दिया जा रहा है, जो चुनाव जीतने की स्थिति बताई जा रही है, वो राजेश नागर की है।
अगर इस लिहाज से मैं आपको बताऊं, फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की 9 विधानसभाएं, जिनमें से पलवल, होडल, हथीन, फरीदाबाद एनआईटी, बड़खल और प्रथला, ये 6 विधानसभा कांग्रेस के पाले में जाती दिख रही हैं। 2 विधानसभा बल्लभगढ़ और फरीदाबाद 89, ये बीजेपी को एस तो है लेकिन मुकाबला यहाँ बना हुआ है। और तिगांव विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर बीजेपी को क्लियर बढ़त है, भाजपा यहाँ पर चुनाव जीतने की स्थिति में है। आप कितना सहमत है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।